मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आजकल किसान आंदोलन बड़ा जोरों पर चल रहा है और आइए मैं इसकी कुछ झलकियां आपको किसान आंदोलन की दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, कृषि विरोधी कार्य कानून वापिस लो, कृषि विरोधी कार्य कानून वापिस लो। दोस्तों, ये ड्रोन से यहाँ निगरानी की जा रही है। ये देखिए, जाके जाके
एक नो सुन लिया करना के है गूंज उठेंगे किसान मजदूर के नारे से इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे हिसार जिला के अखिल भारतीय किसान सभा के प्रधान शमशेर सिंह जी नंबरदार और तमाम छात्र युवा मजदूर किसान साथियों, जिस तरीके से आज पूरे देश में किसान मजदूर छात्र नौजवान कर्मचारी तमाम के तमाम लोग मोदी की नीतियों के खिलाफ आज रोड पे है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अंग्रेजों की औलाद, ये अंग्रेजों के दल्ले मोदी और आरएसएस इस देश का जो नाश करने पे उतरे हैं, आज तमाम हिंदुस्तान के मजदूर किसान अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने देश को बचाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम ये कह रहे हैं, ये जो भाई खड़े हैं, ये भी हमारे किसान मजदूरों के बेटे हैं। ये भी यदि इनके कपड़े हमारे जैसे जब कपड़े पहनते हैं तो लगता है ये धूप सिंह का बेटा है, ये प्रेम का बेटा है, ये बंधु का बेटा है। लेकिन जब ये मोदी के कहने से नहीं, अपने देश की जनता के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए जब आंदोलन पे लोग आते हैं तो इन पर आदेश देती है सरकार कि लठ मारो लठ। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, जिस दिन आंदोलन पीक पे होगा, मोदी उधर होगा, ये हमारे साथ होंगे, सत्ता को उखाड़ फेंक देंगे, छोड़ेंगे नहीं मोदी तेरी को। हम ये कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से अध्यादेश लेके आए हैं, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर आज जाग उठा है। हम बताना चाहते हैं आज स्टेज के माध्यम से जिस तरीके से बरसात में पौधे जम्या करे और कई बालक न्यू ले आकर लको अकेले और एक आधा न्यू कर देगा उसका बोले इसकी तो जड़ दिखा दी, इनकी जड़ दिखा देंगे, बढ़ते हिंदुस्तान में हरियाणा में जमन नहीं देंगे। किसानों से टकराना कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, जो किसान से टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि आज समय है तमाम लोगों को जोड़ के, आज जिस तरीके से मजदूर के कानून पे हमला है, हमारे नेताजी बता रहे थे 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी। अरे भाई, हम कहना चाहते हैं शिक्षा पे जो हमला है, 53,000 रुपए था MBBS करने का फीस, 6 तारीख को खट्टर ने 10 लाख रुपए कराए। इसका मतलब यह है कि किसान मजदूर का बेटा ऊंची पढ़ाई ना पढ़ सके, ये हमारे से इस साइड में खड़े हैं, इनसे भी पता कर लेना क्या 10 लाख रुपए आए MBBS बनने के लिए आप ईमानदारी की कमाई से आपके बच्चों को करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। आज इस तरीके के काले कानून, आज खेती पे काले कानून, तमाम के तमाम महकमे, रोडवेज बेच दिया, बिजली बोर्ड बेच दिया, लाल किला भी बेच दिया, ऐसे ये जो अंग्रेजों की औलाद RSS और खट्टर। हम ये कहना चाहते हैं, मैं एक बात निश्चित तौर पर आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन आज शुरुआत है इस आंदोलन की, और ये आंदोलन तमाम गांवों में, तमाम गलियों में,
तमाम कूचों में जाता हुआ एक इतना बड़ा विशाल आंदोलन का रूप लेगा। अरे तेरी तो मोदी औकात क्या है, हमने तो अंग्रेजा का गंडे ला दिए थे, वो 1857 की क्रांति आशी की उस धरती के ये वीर सपूतों के बेटा बेटी है। मोदी और मोदी के तमाम इनकी जो बंदी है, इनके जो दलाल हैं, इन तमाम दलालों को ठिकाने लाने के लिए ये मजदूर किसान आज कर्मचारी छात्र नौजवान तमाम के तमाम जनता का ये जो काफिला है, जैसे भी आदेश पूरे देश में 250 से ऊपर किसान मजदूरों के संगठन तमाम फेडरेशन छोड़ के बीजेपी और इस आरएसएस के दलालों को तमाम के तमाम हिंदुस्तान का किसान मजदूर चाहे वो चुप शांति से तमाम के तमाम इस आंदोलन का हिस्सा है और उन तमाम का संदेश लेके हम दिल्ली जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम दिल्ली जाएंगे और ये जो मोदी और खट्टर की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंकेंगे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले लंबे समय से जो जुडिशरी भी है, हिंदुस्तान के 4 सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठा होके मीडिया के सामने आते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में है, हमारी खेती बाड़ी खतरे में है, हमारी शिक्षा खतरे में है, मान सम्मान खतरे में है, और जो कॉमरेड प्रदीप कह रहे थे बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है, ये तमाम लोग मोदी खट्टर जोगी ये जितने भी ये नुका है महाराज तो बसिया को नहीं देश का भाषण को नहीं दिया, इन ठाके पटकना पड़ेगा के भाई हम बालक बच्चा ने यहाँ इन्हे के बेरा पढ़ाई के हो, इन्हे के बेरा इलाज कैसे हो, यो मोदी सब तो बड़ा चोर देश का। हम कह रहे हैं कोरोना के माध्यम से करोड़ों करोड़ रुपया बड़े पूंजीपतियों ने दिया, प्राइवेट पीएम केयर फंड 1948 में देश में पीएम केयर फंड बना था, उसमें पैसा ना डाल के प्राइवेट पीएम केयर फंड में पैसा डाल के सारे पैसे को हजम कर गया है कोरोना के नाम पे। और जिस तरीके से कोरोना को अवसर मान के किसानों पे, मजदूरों पे, कर्मचारियों पे, शिक्षा पे, किसान पे ये जो आरा चला रहा है, हम कह रहे हैं ये तेरा आरा अब हिंदुस्तान की जनता चलने नहीं देगी। तो आप तमाम साथियों से इस आश्वासन के साथ कि ये जो लड़ाई अभी शुरू हुई है वहां से कोई बड़ा ऐलान होगा, जिस प्रकार से भूमि का ये जो बिल लेके आया था उल्टा घसोड़ दिया इसका भूमि का बिल, इसी प्रकार से इसका ये जो कृषि अध्यादेश कानून है इसको भी निश्चित तौर पे हिंदुस्तान का मजदूर कर्मचारी छात्र नौजवान उल्टा घसोड़ देगा। मोदी तेरे को सांस नहीं आने देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेके हम आप लोगों से ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन पूरे देश में 1 करोड़ से ऊपर का संगठन है, हम केवल समर्थन नहीं कर रहे, हम इस आंदोलन का हिस्सा है। निश्चित तौर पे किसान मजदूर छात्र नौजवान हिंदुस्तान की जनता जीतेगी, मोदी खट्टर आरएसएस के दलाल हारेंगे। इसी बात के साथ तमाम साथियों को क्रांति का ये अभिनंदन करते हुए हम हर हालत में जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।